हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कल की एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। और मैं यह कह दूँ कि कल जो है इस सेट से कम 20 क्वेश्चन लड़ना तय ही है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है 20/7/1914 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो ओ सदा नीरा जो है यह बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश रचित नाटक है? तो मोहन राकेश रचित नाटक जो है वह आषाढ़ का एक दिन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार है? तो प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के जो निबंधकार हैं वह नामोर सिंह जी हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वह जूठन है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, लेखक मलयज का मूल नाम क्या था? तो लेखक मलयज का जो मूल नाम था वह भरत जी श्रीवास्तव था। तो 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरछी कहानी है? तो तिरछी कहानी जो है वह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के गाँव का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के गांव का जो नाम था वह सिबात दियारा था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है वह 9/12/1920 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तमाल क्या है? तो भक्तमाल जो है वह भक्त चलितों का माला है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास का स्थाई निवास कहाँ था? तो नाभादास का स्थाई निवास जो है वह वृंदावन में था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो तुलसीदास का जन्म स्थान जो है वह राजापुर वांदा था। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो पार्वती मंगल जो है निम्नलिखित में से जो है तुलसीदास की जो है रचना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सूरदास किस शाखा के कवि थे? तो सूरदास जो है वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, पद्म भागवत किसकी रचना है? तो पद्म भागवत जो है निम्नलिखित में से जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन है, तुलसीदास का व्यक्तिगत कैसा था? तो तुलसीदास का जो व्यक्तिगत था वह उपयुक्त सभी था। ऑप्शन डी इसका सही है। शांत भी थे, विनम्र भी थे और मृदुभाषी भी थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सूरदास की अभिरुचि जो है वह पर्यटन काम में थी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की काव्य संकलन का नाम लिखे। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य संकलन का जो नाम है वह है, उपयुक्त सभी है, आंसू भी है, लहर भी है और झरना भी है। नेक्स्ट है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के जो रचयिता है वह गजानन माधव मुक्तिबोध है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है? तो अधिनायक शीर्षक कविता के जो रचयिता है वह रघुवीर सहाय जी हैं। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? तो जय कृष्ण मूर्ति जो थे वह बोलते थे। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है कल की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग यह वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग का दायित्व बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन यह जो है डायरी साहित्य की विधा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, कुडियो शब्द का अर्थ बताइए। तो कुंडियो शब्द का जो अर्थ है वह गायिकाएं हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम जो था वह मदन मोहन गुगलानी था, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, धांगड़ शब्द का अर्थ उड़वाओं भाषा में क्या है? तो धांगड़ शब्द का अर्थ जो है उड़वाओं भाषा में जो है भाड़े का मजदूर, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, शयन का संधि विच्छेद होगा, तो शयन का जो संधि विच्छेद होगा वह से प्लस अन होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय शब्द संज्ञा है, तो हिमालय शब्द जो है वह व्यक्ति वाचक जो है संज्ञा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अहंकार शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अहम प्लस कार, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो भाषा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अगर्ज शब्द का विलोम होगा, तो अगर्ज शब्द का जो विलोम है वह अनुज होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा, तो अग्नि शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह अनल होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, भार शब्द में प्रत्यय है, तो भार शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह है र, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसका आशय महान हो उसको जो है हम लोग महाशय बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, ओज शब्द का विशेषण क्या है? तो ओज शब्द का जो विशेषण है वह ओजस्वी है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो सर्वनाम के जो है 6 प्रकार है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, तेल शब्द है, तो तेल शब्द जो है वह द्रववाचक संज्ञा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, पाप मुक्त समास है, तो पाप मुक्त जो है वह तत्पुरुष समास है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची बताएं। तो पृथ्वी शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा वह भू होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, अनुदार कौन सा समास है? तो अनुदार जो है वह नेत्र समास है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद है, तो संगठन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वह सम प्लस गठन है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निदान शब्द में उपसर्ग है, तो निदान शब्द में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह नी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो लड़ाई शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह आई प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, बेफायदा शब्द कौन सा समास है? तो बेफायदा शब्द जो है वह अव्ययीभाव समास है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो प्रार्थना शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर शब्द का संज्ञा है, तो घर जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुता शब्द में प्रत्यय है, तो लघुता शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता शब्द का विशेषण होगा, तो पिता शब्द का जो विशेषण है वह पैतृक होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यह आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यावाचक विशेषण है, तो संख्यावाचक विशेषण जो है वह 20 है, 20 जो है संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए जो है यह संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द लिखे, तो जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे जो है चंद्रशेखर कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है लघु शब्द का विशेषण क्या है, तो लघु शब्द का जो विशेषण है वह लाघव है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या है, तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे जो है निर्दय कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो लंबोदर जो है बहुव्रीही समास है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सोमवार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्त्री अभिनय करे उसे क्या कहते हैं, तो जो स्त्री अभिनय करे उसे जो है हम लोग अभिनेत्री कहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है मनोयोग का संधि विच्छेद होगा, तो मनोयोग का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा मन प्लस योग, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो दांत दिखाना मुहावरे का जो अर्थ है वह है खिस काटना, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेन देन कौन समास है, तो लेन देन जो है निम्नलिखित में से द्विगु समास है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो छठी का दूध याद आना यह जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है पराजित होना, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है नाखून शब्द का लिंग निर्णय करे, तो नाखून शब्द का जो लिंग निर्णय है वह पुलिंग है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। तो यह जो था टॉप 60 क्वेश्चन था जो कि कल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो यह क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो अगर आपको यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।